खबरों में आगे लगे बढ़ेंगे। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी के सितम से लोग बेहाल हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान गिर रहा है तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चलने से हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग बेहद परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। सताने लगी है कड़ाके की सर्दी, कोहरे की चादर ओढ़ बैठी है दिल्ली। घने कोहरे से ढका दिल्ली एनसीआर, कोहरे ने मचाया कोहराम। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बाद सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। बर्फीली हवाओं ने देश भर में ठिठुरन और बढ़ा दी है। दिन हो या रात, ठंड से लोगों को कभी आराम नहीं मिल रहा है। देश में कड़ाके की सर्दियों के साथ कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है। शीतलहर के बीच जगह जगह लोग सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के साथ साथ कोहरे का भी पहरा है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर हैं दिल्ली में, और जो लोग हैं वो यहाँ घूमने आए हैं। कई लोगों का कहना है कि वो यहाँ घूमने आए थे लेकिन सर्दी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ लगातार बर्फबारी के चलते सर्दी बढ़ी हुई है। वहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ठंड है वो अपना सितम पूरा दिखा रही है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक है। मौसम विभाग की यदि बात करें तो 10 जनवरी के बाद मौसम में कुछ तब्दीली आएगी, जिसके बाद धूप निकलनी शुरू होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 10 तारीख के बाद बारिश हो सकती है, जिसके बाद धूप निकलेगी और जो कोहरा की दिक्कत है वो कम हो जाएगी। हाँ, ठंड बहुत है दिल्ली में। ऐसा है कि आगरा से तो ज़्यादा ही ठंड है इधर। सोच के तो ये आए थे कि खूब घूमेंगे, उसका आनंद भी ले रहे हैं। ठंड है इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। वो तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और उससे जुकाम वगैरह खांसी वगैरह हो रही है। बहुत ठंड है आज, काफ़ी गर्म कपड़े पहन रखे, बच्चों को भी पहना रखे हैं, और पहले से तो काफ़ी ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। सुबह शाम में मतलब ज़्यादा है, दिन में तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है लेकिन सुबह शाम में ज़्यादा ठंड हो रही है। एक बार फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इस हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी में बाहर निकले लोगों के लिए घना कोहरा भी समस्या बन रहा है। सर्दी तो है ही भाई, ऐसा नहीं है, बहुत ठंड है, प्रॉब्लम तो होती होगी। हम लोगों के पास तो है तो हमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको तो होगी, बहुत इशू होते होंगे, प्रॉब्लम तो है ही है, ऐसा नहीं है। ठंड तो बहुत लग रही है, ऐसी लग रही है बर्फीली हवा चल रही है जैसे, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी। दिल्ली की ठंड तो ऐसी भी मशहूर है, और जनवरी में तो और भी ठंड हो जाती है। अभी मुझे लगता है कि 6-7 डिग्री तो टेम्परेचर होगी यहाँ की अभी, और मेरे ख्याल से अभी बारिश भी होने वाली है यहाँ पे। शिमला कहते तो यहाँ मतलब शिमला के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ी ज्यादा ठंड है, वहाँ पे इतनी नहीं थी, तो आज से बहुत ज्यादा हमें यहाँ लग गया। वहीं बात करें तापमान की तो मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी शीतलहर बढ़ेगी और साथ ही घने कोहरे के अलर्ट भी जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।